नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल tutor.com पर स्वागत है। आज हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पहले ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले जाइए और ग्राफ की वीडियो देखिए, ताकि आपको डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसको स्लोप निकालने के लिए आ जाए। तो टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हम एक्स एक्सिस पे लिखते हैं। डिस्टेंस हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसे हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले इंटरवल में 5 मीटर है, दूसरे में भी 5 है, तीसरे में भी 5 है और चौथे में भी 5 है। तो हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा था, उसमें 3 कंडीशन थी। पहला कि एक स्ट्रेट लाइन पे जाए, दूसरा इक्वल डिस्टेंस हो। अब टाइम इंटरवल भी 2 सेकंड्स 2 सेकंड्स है तो वो भी इक्वल है, तो ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। अब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो एक्स एक्सिस पे हम जो टाइम लेंगे उसका हम इंटरवल लेंगे 2 सेकंड्स का, और डिस्टेंस पे इंटरवल 5 मिनट्स का, मीटर्स का। तो एक्स वाई एक्सिस बनाई, ओरिजिनल पॉइंट लिखा। अब एक्स एक्सिस पे टाइम लिखेंगे, यूनिट्स हमारी सेकंड्स है तो टाइम के बाद हम एस लिखेंगे फॉर यूनिट्स। ऐसे ही वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिखेंगे और यूनिट्स लिखेंगे हम मीटर। उसके बाद हम स्केलिंग करेंगे। तो टाइम हमारा 2 2 के गैप पे डाटा है तो हम लिखेंगे 2 4 6 8। ओरिजिन पॉइंट ऑलरेडी 0 डिनोट करता है इसलिए 0 नहीं लिखा। डिस्टेंस पर 5 10 15 और 20, यहाँ पे भी 0 मेंशन है इसलिए 0 नहीं लिखा। अब स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में हम स्केल बताते हैं। तो एक्स एक्सिस का जो स्केल है उसकी जो 1 यूनिट है वो है 2 सेकंड्स की, और ऐसे वाई एक्सिस पे जो हमारा 1 यूनिट है उसका जो स्केल है वो है 5 मीटर्स का। अब ये करने के बाद हम प्लॉट करेंगे। 0 पे 0, x2 y 5, x4 y 10, x6 y 15, x8 y 20। ये करने के बाद हम इसे एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और ज्वाइन करने के बाद अब हम इसकी स्लोप निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर 2 ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगल को एबीसी नाम दे देंगे। अब हम देखेंगे कि इसका स्लोप कैसे है, इसका स्लोप है कितना। तो स्लोप होता है हमारा एबी डिवाइडेड बाय बीसी। एबी है यहाँ 15 - 10 विच इज 5 मीटर, और बीसी है 6 - 4 विच इज 2 सेकंड। तो हमारा स्लोप आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब आप यहाँ देखिए जो स्लोप है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो उससे हमारे पास आता है स्पीड, वेलोसिटी आता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से। तो हम कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इट गिव्स अस द स्पीड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसका जो नेचर है, ये एक यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है और इसका जो नेचर है वो है स्ट्रेट ऑब्लिक लाइन। नेचर होता है कि ये ग्राफ में हमें जो लाइन है वो कैसी दिख रही है, इट इज अ स्ट्रेट ऑब्लिक लाइन। अगला है ये, इसमें आप देखिए कि डिस्टेंस जो है यहाँ 1 मीटर का गैप है, यहाँ 3 का 5 का 7 का 9 का एंड 11 का, और टाइम इंटरवल जो है वो 2 सेकंड्स का ही चल रहा है। तो आई कैन से अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जो हमारा मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैं बोलूंगी जब यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पर टाइम वाई पर डिस्टेंस, पॉइंट्स को लिखेंगे और पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। अब आप देखिए ये पॉइंट जो है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन ना होके कर्व लाइन आ रही है हमारे पास। तो हमारा जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो आता है कर्व। लेट्स डू अ क्विक समराइजेशन। सो एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ऑब्लिक लाइन आता है अगर मेरा यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में कर्व लाइन आता है। अब ये अगला है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये 10 मीटर थी, ये 20 मीटर। तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है मेरी डिस्टेंस कंटिन्यूअसली सेम है। इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, वो स्टेशनरी पे है, या फिर आई कैन से कि वो रेस्ट पर है। इस केस में जो नेचर होता है मेरे ग्राफ का वो होता है स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ 3 टाइप के बनते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म स्पीड स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कर्व लाइन, एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विच इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट, कुछ भी डाउट हो, और हमारी साइट पे जरूर जाइए, वहां पे जाके क्वेश्चन पेपर्स दीजिए ताकि आप अपनी ग्रेडिंग कर सके, आपको पता चले कि आप किस टॉपिक में कितने स्ट्रांग है और कितने कमजोर हैं और आपको कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। Thank you so much. Have a great day. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.